और उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर्स के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में ट्विन टावर को ब्लास्ट करने का ट्रिगर होगा। ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा में 1 नॉटिकल माइल हवाई क्षेत्र में फ्लाइट उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही टावर गिरने के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर भी खबर है। टावर जमींदोज होने से पहले नोएडा के 3 हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। ट्विन टावर के ध्वस्त होने से जुड़ी खबरों का अपडेट ट्विन टावर टॉप 9 में। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के दोनों टावर के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कल 32 मंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो जाएंगी। ध्वस्त करने के मद्देनजर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक पुलिस ने कई मार्गों को सुबह 7 बजे से हालात सामान्य होने तक बंद कर दिया जाएगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ब्लास्ट के समय फोटो खींचने और वीडियोग्राफी पर भी रोक रहेगी। अगर कोई ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ट्विन टावर के 51 पिलर्स की मरम्मत का काम 25 अगस्त तक पूरा हो गया, जबकि 6 पिलर्स की मरम्मत का काम आज पूरा होगा। इसके अलावा एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के ऑडिट का काम हो चुका है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से भी कुछ और बेस बनाने को कहा गया है, जो आज बनकर तैयार हो जाएंगे। एस्टर 2 और 3 में 9 मीटर ड्राइववे का काम ब्लास्ट के 1 महीने बाद मलबा हटाने के बाद किया जाएगा। डीसीबी सेंटर राजेश एस ने कहा है कि ब्लास्ट से पहले एटीएस विलेज सोसाइटी और एमराल्ड कोर्ट में रहने वाले लोगों को कल शाम से ही दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में ट्विन टावर को ब्लास्ट करने का ट्रिगर होगा। चेतन दत्ता ने ब्लैक बॉक्स को दिखाते हुए डेमो कर बताया है कि किस तरह से बटन दबाते ही ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। उनके मुताबिक 100 मीटर लंबे तार से एक्सप्लोजिव और डायनमो के तार को जोड़ा जाएगा। चेतन ने उम्मीद जताई है कि इमारत सही प्रकार से ढह जाएगी। ब्लास्टिंग एरिया को लोहे की जाल की 4 परतों और कंबल की 2 परतों से ढका गया है। इससे इमारत का मलबा कम से कम उड़ेगा। नोएडा के ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा में 1 नॉटिकल माइल हवाई क्षेत्र में कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि 1 नॉटिकल माइल करीब 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। प्राधिकरण ने करीब 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को गिराए जाने के संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया। सुपरटेक के ट्विन टावर गिरने के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम भी रहेंगी। 8 एम्बुलेंस और 4 फायर टेंडर्स मौके पर तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी आपात हालात से निपटा जा सके। दोनों टावर के बाहर हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। डीसीबी सेंटर राजेश एस ने कहा है कि ब्लास्ट के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा और अगर धूल ज्यादा समय के लिए रहती है तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। ट्विन टावर गिराने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्विन टावर के पास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। यहां पर मौके पर 6 एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी। सीएमओ ने बताया कि ट्विन टावर के सबसे पास के 3 अस्पतालों जेपी अस्पताल, फेलिक्स अस्पताल और यथार्थ अस्पताल को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ और नोएडा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हालातों की निगरानी करेंगे। करीब 800 करोड़ की लागत से अधूरे बनकर खड़े ये टावर कल महज कुछ ही सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो जाएंगे। भारत में पहली बार इतनी बड़ी किसी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए विस्फोटक लगाने के साथ साथ सभी तकनीकी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 32 मंजिल इमारत के आसपास कई हाई राइज सोसाइटियां हैं, जिनमें हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, वो भी अपने सपनों के घरों को लेकर चिंतित हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा ट्विन टावर ध्वस्त होने को लेकर जारी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने ट्विन टावर के अधिकारियों को ध्वस्तीकरण में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और टावर के आसपास आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों को हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया।
नोएडा के ट्विन टावर मामले में निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईपीआर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, जिससे निवेशकों को भुगतान किया जा सके। कोर्ट ने साफ किया है कि निवेशकों को उसका बकाया पैसा ब्याज सहित मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नियुक्त अंतरिम राहत प्रोफेशनल्स को निर्देश दिया है कि वो निवेशकों का हित ध्यान में रखते हुए पैसे वापसी कराए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।